वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो हमारा थोड़ा सा रहता था वो उसके अंदर बात करते हैं। नाउ इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस एवरीथिंग लाइक द वेरियस ऑर्बिट्स, देन द वेरियस टाइप ऑफ इंजन्स, रामजेट, स्क्रैमजेट, है ना। तो आज हम करेंगे, उनके अंदर फ्यूल भी तो चलेगा, है ना, तो फ्यूल भी तो डालना है, तो आज फ्यूल की बात कर लेते थोड़ी सी। उसके अंदर आपको बताया था जो फर्स्ट स्टेज के अंदर मोस्टली कौन सा फ्यूल रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है, एकदम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन लिक्विड को हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना, आपने बंद कर दिया तो लिक्विड। अब सॉलिड है, सॉलिड जो स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर चलता है मोस्टली, ठीक है, जहाँ कभी भी हमें बहुत सारा बूस्ट चाहिए, थ्रस्ट प्रोवाइड करना है, उस टाइम पे आपका कौन सा चलेगा, सॉलिड चलेगा। तो सॉलिड की बात तो होगी, लेकिन सॉलिड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो एक बार जल गया जल गया, लिक्विड को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सॉलिड फ्यूल के अंदर अब बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले तो पता भी तो होना चाहिए क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली इसके अंदर जो आता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो उन्होंने, मैंने कल भी बताया था कि चार नीचे नाम दे दिए और बोला कौन सा इसमें सॉलिड के लिए यूज़ होता है या लिक्विड के लिए। नंबर टू के आपको प्रॉपर्टीज़ आ गई कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ या लिक्विड की, स्टेटमेंट के बेस के ऊपर, है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है जी। तो पहले लिखो सॉलिड रॉकेट मोटर या फ्यूल लिख लो इसकी जगह। सॉलिड रॉकेट रॉकेट मोटर लिखो फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक और बात मैंने बोलनी थी कि जैसे यहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है, मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट लिखाता हूँ। उसका रीज़न है कि अगर मान लो ये सारा मैंने लिखवा दिया, आपको पीपीटी भी मिल रही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, है ना, लेकिन ये वाले नोट्स आपके प्री के लिए हैं, ये नोट्स आपके प्री के लिए हैं, क्योंकि प्री के अंदर आप पूरा रजिस्टर भर दो, दो रजिस्टर भर दो, क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपको की पॉइंट जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये याद करने, कहीं मान लो आप भूल गए कि यहाँ पे हमने एक बुलेट पॉइंट लिखा था, क्या इसका मीनिंग है, तो आपने अपनी पीपीटी खोली और वहाँ पे पूरा लिखा हुआ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसलिए पूरा नोट नहीं करना, सिर्फ बुलेट पॉइंट नोट करो, ताकि आपको जब रिवाइज करोगे प्री के लिए तो मोर देन सफिशियंट रहे हो, ठीक है। सॉलिड रॉकेट मोटर बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आर इन सॉलिड स्टेट, आर इन सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट करो इसके अंदर, अमोनियम पर क्लोरेट, अमोनियम, अमोनियम का स्पेलिंग पता है ना, पर क्लोरेट, पी ई आर सी एच एल ओ आर ए टी ई, ठीक है जी। एक और लिखो अमोनियम पाउडर फ्यूल, ठीक है। तो जो आपका अमोनियम परक्लोरेट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजर, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, एंड अमोनियम पाउडर क्या है आपका, फ्यूल, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, एक हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तभी तो जलेगा वो फ्यूल, है ना। मान लो आपके जैसे एलपीजी सिलेंडर है, वहाँ पे उसके अंदर आग लग जाए तो क्या करोगे, फायर ब्रिगेड का काम वो क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें इतनी अवेलेबल नहीं होगी, चिल्लाओगे।